नमस्कार, आप सभी दर्शकों का इंसाफ की आवाज में स्वागत है। जमशेदपुर के प्रतिष्ठित कंपनी टीन प्लेट कंपनी में ठेका कर्मियों के साथ ठेकेदार द्वारा मनमानी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। मंगलवार को झारखंड मजदूर यूनियन और सामाजिक सेवा संघ का प्रतिनिधि मंडल टीन प्लेट कंपनी पहुंच मजदूरों की समस्याओं को जाना। इस संबंध में सामाजिक सेवा संघ और झारखंड मजदूर यूनियन के नेताओं ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से ठेकेदार द्वारा ठेका कर्मियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। पूर्व की तरह न मजदूरों को पीएफ ईएसआई की सुविधा दी जा रही है, न ही मजदूरों के पास रोजगार की गारंटी है। उन्होंने बताया कि पूर्व में ठेकेदार द्वारा ठेका कर्मियों के आश्रितों को नौकरी दी जाती थी, लेकिन नए ठेकेदार ने सब बंद कर दिया है, जिससे यहां के मजदूर चिंतित हैं। उन्होंने प्रबंधन और ठेकेदार को चेतावनी दी है कि अगर मजदूरों का शोषण जारी रहा तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। ठेकेदारी लेबर परमानेंट के रूप में काम करते हुए आ रहे। इससे पहले जो ठेकेदार था वो समय पर पीएफ ईएसआई सब चीज देता था, छुट्टी पैसा वगैरह सब देता था, लेकिन अभी नया ठेकेदार आया एबी कंस्ट्रक्शन, वो पीएफ ईएसआई कुछ समय पर नहीं दे रहा। और जो पहले पीएफ ईएसआई करता था तो एक मैसेज आता था मोबाइल में, उस तक कुछ नहीं है, छुट्टी पैसा भी नहीं दे रहा। मजदूरों को सताया जा रहा, प्रेशराइज किया जा रहा है, उल्टा इधर उधर टॉर्चर किया जा रहा है, और ओल्ड एज भी जो हो जा रहे हैं, 35 वर्ष से काम करते हुए आ रहे हैं। पहले जो पुराना ठेकेदार था, जो ओल्ड मान लीजिए आज मेरा 60 साल हो गया, तो जैसे काम से हम बैठा देते हैं तो मेरा परिवार का किसी को रखता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा। अभी ओल्ड एज वाला को भी हटा दे रहा और उसका परिवार का किसी को नौकरी में भी नहीं रख रहा। तो हम लोग के सामाजिक सेवा संघ झारखंड मजदूर यूनियन के द्वारा हमारे साथ दुलालदा के बड़े भाई सपन जी हैं, और दुलालदा के नेतृत्व में अगर इस सब बातों को नहीं सुना जाएगा, ठेकेदार से हम लोग बात करेंगे, नहीं सुनता है तो डीएलसी को हम लोग लिखित ज्ञापन देंगे और भविष्य में उसका नेतृत्व में कंपनी के जो भी ठेकेदार है उनके खिलाफ में हम लोग धरना। हम लोग का जो लिप पैसा मिलता है, बोनस वोनस मिलता है, ये सब का थोड़ा बहुत हेर फेर होता है। फिर हम लोग का गेट पास नहीं बना है 1.5 साल से, और हम लोग का जो पेमेंट स्लिप जो मंथली जो पेमेंट होता है उनका भी पेमेंट स्लिप भी नहीं दिया जाता है। इसी तरह का बहुत से समस्या है हम लोग का जी। अभी तो 331 रुपया दे रहा था, अभी इस महीना से 356 रुपया दे रहा है, 20 साल से ज़्यादा हो गया। ये नहीं सर, ये ठेकेदार तो चेंज होते रहता है सर, तो ये जो अभी आए हुए हैं इनका पास मेरा 1 साल 5 महीने कुछ हो रहा। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।